हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज टॉपिक है फुल स्क्रीन गेस्चर को यूज़ कैसे करते हैं वो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है वीवो का फ़ोन है। फ्रेंड्स, अगर मेरी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स, यही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको उस प्रकार से इंटरफेस आता है, एंड इसके बाद आपको सिस्टम पे क्लिक कर देना है। तब आपको यहाँ दिखता है सिस्टम नेविगेशन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है गेशन नेविगेशन, एंड इसकी सेटिंग भी क्लिक करते हैं। तब आप यहाँ से पैटर्न चेंज कर सकते हैं कि ओल्ड मतलब जो आपको बैक करने वाले इन सब का ऑप्शन, इसका पैटर्न चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये वाला पैटर्न रखना है। एंड इसके बाद इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में बैक वाला बटन कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। एंड इसकी सेटिंग में तो आपको पता चल गया। अगर आप गेशन नेविगेशन पर क्लिक करते हैं तो आपका बटन हाइड हो जाता है, यहाँ देख सकते हैं। एंड वापस इस पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर से बटन शो होने लगेगा। अगर ये वाला लगा रखे तो किस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं तो आइए शुरू करते हैं। और इसके बाद इस प्रकार से आप स्लाइड करेंगे तो बैक करने वाला ऑप्शन आता है, देख सकते हैं। यहाँ से बैक कर सकते हैं और एक जैसे ही बैक होता है, देख सकते हैं आप। एंड और इसके बाद इसे होम करना है, इस प्रकार से आप होम कर सकते हैं। अगर बहुत से ऐप लेके आना है, इस प्रकार स्लाइड करके ऐसे कर देंगे तो सभी ऐप इस प्रकार से आ जाते हैं। एंड इस प्रकार से उसका यूज़ किया जाता है। वापस वर्क बटन शो करना है तो वापस सेटिंग को ओपन कर लेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको सिस्टम पे ही क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको सिस्टम नेविगेशन पे क्लिक कर देना। फिर से आप थ्री बटन नेविगेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपका फिर से बटन शो होने लगेगा। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में फुल स्क्रीन गेस्चर का यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स, तब तक ही नमस्कार।